जी नाम, मेरा नाम धर्मपाल सिंह, ग्राम प्रधान पराखुर्द। धर्मपाल जी ग्राम प्रधान पराखुर्द। पाजी ग्राम प्रधान जी हैं। देखो तो धारा प्रभा बोल गए, क्या बात है जी आपको। जब से आप हाथरस में आए आपने कहा कि महक क्या आ रही है, वो दाल की महक नहीं थी, दाल में जो लगती है हींग, लगता है जो छौंक, उस हींग की महक आ रही थी। पूरे देश में हींग जो है यहीं से जाती है, पूरे देश में। हाँ जी पूरे इंडिया में। हाँ इंडिया में, भारत में। भारत में, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे भारत में जो हींग है वो यहीं से जाती है। और हींग भी कोई एक किस्म की नहीं होती है ना बाबूजी, कितने किस्म की हींग होती है? जितनी तरफ के आदमी है उतनी हींग है। जितने तरह के 140 करोड़ है यहाँ पे। इतनी तरह की हींग है, जितनी तरह की हींग है। हाँ जी 200-400 क्वालिटियाँ हैं, 200-400। अच्छा सबसे सस्ती हींग कितने की होती है साहब? 200 रुपए किलो से लेके 40,000 रुपए किलो तक की। 40,000 किलो तक की? 200 रुपए किलो से। 200 रुपए किलो से 40,000 रुपए किलो तक की। 40,000 किलो तक की हींग होती है बाजी। अच्छा और हींग एक तरह से औषधि है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ हाँ वो तो खैर मालूम है, वो जरा सा बच्चे के पेट में दर्द होता है तो हींग लगा दो तो फायदा हो जाता है। और हींग से निरी चीज बनती है, हींग भट्टी बनती है, गैस का चूरन बनता है। लो हींग भट्टी खा के देखो जी, तो बोलिए आप इससे क्या होगा, इससे पेट सफा हो जाएगा, सब रोग सफा हो जाएंगे, पेट में गैस बनती हो। भाजी आपको मतलब आपको जरूरत है इसकी कि बहुत सारी चीजें सफा करनी है। खाया तो है ना सुबह से कुछ? नहीं नहीं खाओ क्या, मतलब अभी तो चल रहे हैं तब से सवेरे से भूखे हैं। देखो बहुत लाजवाब चीज है। हाँ खा के देखो, बढ़िया चीज है। पहले भाजी वो तो फेंकना जी, बहुत बढ़िया चीज है। अरे हम तो इलायची खा रहे थे। इलायची तो बढ़िया चीज है। हाँ तो हमको गुटखा वगैरह मत खाया करो, गुटखा जहर है, गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा जहर है। तो हमें क्या है बता रहे हो? पब्लिक को बता रहे हैं। हम तो इलायची खा रहे हैं। हम तो इलायची खा रहे हैं। एक पेट खराब हो जाएगा, टेस्ट बन जाएगा, एक दो खाने से टेस्ट बनेगा, टेस्ट बनेगा। भूख ज्यादा लगेगी, गैस के लिए बहुत बढ़िया। तो 40,000 किलो वाली हींग में क्या खास बात है? क्वालिटी है भैया, क्वालिटी है। हाँ 40,000 वाली बाहर से आती है, अफगानिस्तान से, एकदम प्योर शुद्ध दूध होता है वो। हाँ उससे सारी हींग बनती है फिर। उससे सारी बनती है वो, मदर समझ लो, मदर टिंचर है। उससे सारी हींग तो 40,000 वाली तो कोई लेता नहीं होगा? नहीं लेते हैं, लेते क्यों नहीं? दवाइयों में ट्रांसपेरेंट होती है शीशे की तरह। हैं? हाँ पूछो भैया से। अब हींग के दूध से ही बनती है, हजारों क्वालिटियां बनती हैं हींग की। सही बात कह रहे हैं। बहुत दिन बाद मिले हो, कब मिले थे आखिरी? उसमें 4 साल पहले मिले थे। 3-4 साल पहले मिले थे, तब आप कुछ थोड़ा हल्के थे। थोड़ा हल्के हो गए, थोड़ा हल्के हो गए, पहले बाल भी थे, बाल भी थे, अब थोड़ा बाल कम हो गए। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अब थोड़ा बीमारी बार नहीं सही है। अच्छा याद है आपको हम 4 साल पहले मिले थे? आए थे आप? आए थे, हाँ आए थे पाजी, तब आपको भी याद है पाजी? पाजी करे हमको भी याद है, याद। बाबूलाल बलबीर सिंह आप ही हैं? हाँ जी बलबीर सिंह यही है। बाबूलाल पिताजी? हाँ पिताजी बलबीर जी। बताओ बलबीर जी क्या बतलाएं, बोलो क्या बताओ, कुछ हालचाल बताओ। हींग का चाहे मन हो हींग का बताओ, चाहे इलायची का बताओ, चाहे मसाले का बताओ, चाहे रबड़ी का बताओ, चाहे जो जो चीज हाथरस में हो बताओ। हाथरस में तो हींग की। 24 का बताओ। हैं 24 का? 24 में तो योगी मोदी जिंदाबाद चल रहे हैं। 4 से पार है। अच्छा हाँ कैसे? 4 से पार है। अच्छा 4 से पार कैसे? गारंटी के साथ। देखिए मैं भी आपका नियमित प्रोग्राम देखता रहता हूँ कि देखिए। मौलाना साहब को देखिए, मौलाना साहब वाला। अच्छा 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 4 से पार योगी मोदी जिंदाबाद, योगी जी मोदी जी जिंदाबाद। हाथरस जो है 2-4 कामों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो खाने की हींग जो ऑल इंडिया लेवल से यही बनती है,
और एक खाने के और होली के जितने भी रंग होते हैं वो सारे यही बनते हैं, यहाँ से ही जाते हैं ऑल इंडिया। अब जी एक चीज और है जो ये नहीं बता पाएंगे, वो मैं बता पाऊंगा। दुनिया में जितने भी रंग हैं वो सब हाथरस में मौजूद हैं, क्योंकि यही रस है। तो जितने भी रंग हैं कहाँ कहाँ नहीं, दुनिया में, अरे दुनिया में बहुत रंग है, दुनिया में बहुत रंग है, और सारे रंग अपने यहाँ कहाँ हाथरस में। बस खत्म हो गया बस। जी रंग ही रंग हैं, अब आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है ये आप सोचो। अब ये लाल, ये केसरिया, ये पीला, ये हरा, ये गुलाबी, और ये पाजी ये समझ लो मेहंदी। पाजी और ये रंग ओए होए पड़ जाए तो छूटने का नाम ही नहीं ले पाजी। तो ये हाथरस की खूबी है और ये यहाँ का बाजार है। पूरे देश में रंग जो है गुलाल जो है यही हाथरस से जाता है। हींग बाजार में आपको हींग का भी चस्का दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल ये आप गुलाल का लीजिए मजा। होली आ गई है और सबसे पहले कहाँ आती है, बाजार में आती है। तो बस ये बाजार का मजा, और चुनाव का मजा क्या है, चुनाव में मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी क्या हाँ भैया जी। अरे भैया जी कहाँ थे आप, बलराम जी आप भाजी ये दाऊ हैं बलराम। अब ये ना पूछना इनका नाम क्या, बस ये हैं 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 तो ये हैं और हम भी हैं, तो भारतीय हाँ। तो भाजी ये हैं और हम भी हैं और हाथरस में मिल गए तो ये है गई, बस भाजी ये है गई, बस समझ लो, बस ज्यादा ना पूछो। हाथरस में देखने आए हैं कि आप कैसे हैं। अरे तो झूठ बोलने में क्या दिक्कत होती है, अरे तो बहुत बहुत बड़े लोग लोग झूठ बोल देते हैं हर चीज में, तो हम बोल देंगे तो क्या हो गया। पर जी आप अगर झूठ बोलेंगे तो दुनिया देखेगी। अच्छा आवाज नहीं आई, आवाज आई तो पाजी हम यही झूठ बोल सकते हैं, कैमरा झूठ, हमसे मतलब कैमरा, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। हाँ जी नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। कौन कैमरा, कैमरा हैं, आप कैमरा को हैं नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, कैमरा झूठ बोलेगा। तो कैमरा बोलता है नहीं बोलेगा, वो तो एक का बोले